हेलो दोस्तों, नमस्ते। मनीषा राय ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ आम की मीठी चटनी। 6-7 आम ले लिए हूँ। इसके ऊपर का डंठल इसको पहले अच्छे से काट देती हूँ, फिर सारे आम को ऐसे डंठल पूरा का छिलका उतार लेती हूँ दोस्तों, और इसको अच्छे से धो लेती हूँ। फिर इसको पूरा आम को छीलूँगी अच्छे से। दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। दोस्तों, एक एक करके पूरा आम ऐसे छील के छील लेते हैं दोस्तों। सारे आम छील लिए दोस्तों। अब इसको बारी बारी करके सारे आम को काटेंगे। छोटे छोटे जैसे आलू की भुजिया कटती है, उसी तरह काट लेंगे इसको। इसका गुठली अलग कर लेंगे काट के पूरे आम को। सब आम कट गया दोस्तों। अब इसका गुठली अलग कर लेंगे। दोस्तों, पंच फोड़न ले लिए हैं, 2 चम्मच है। आप लोग को जितना पसंद हो उतना ही डालिएगा। अब चल रहे हैं गैस ऑन करेंगे। दोस्तों, गैस ऑन कर लिए, कढ़ाई रख लिए हैं। अब इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे। तेल थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। उसके बाद आम डाल देते हैं दोस्तों। हल्के हल्के आंच पे उसको भूनेंगे। थोड़ा सा ब्राउन होने लगेगा तब इसको निकाल लेंगे दोस्तों, धीमी आंच पे। पूरा आम भुन गया दोस्तों, देख लीजिए, निकाल ली हूँ। एकदम हल्का हल्का ब्राउन हो गया है। और फिर इसके बाद थोड़ा सा कढ़ाई में तेल डालेंगे, और गर्म होने के बाद वही देखिए दोस्तों, गर्म होने लगा है तेल। अब डालेंगे पंच फोड़न, डाल देते हैं। अब चिटक जाएगा हल्का, तो फिर दोस्तों जो भी अपना खाने का मन का चटपटा या तीखा जैसे भी हो, कुछ भी डालिए आप लोग। मैं तो इसमें डालूँगी थोड़ा सा नमक और थोड़ी लाल मिर्ची, हल्की सी हल्दी। आप लोग को जो उसे पसंद है दोस्तों, या मिर्ची डालें या ना डालें, या नमक भी ना डालें, जैसे गुड़ सिवाय से गुड़ भी डाल दे बस। दोस्तों, 200 ग्राम गुड़ ले ली थी। इसको इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं ताकि गुड़ अच्छे से जल्दी से गल जाए।
इसको चलाते रहेंगे दोस्तों ताकि गुड़ अच्छे से गल जाए और ताकि गुड़ जले। देखिए पक गया है दोस्तों, आम डाल देते हैं। देखिए कितना अच्छा लाजवाब मीठी चटनी बने हैं। आप लोग भी बनाइए दोस्तों, एक बार बना लेंगे हफ्ते भर खाएंगे, बहुत टेस्टी लगता है। चाहे दाल चावल या किसी भी रोटी सूखे उसका पराठे कचौड़ी जिससे मन करे उससे खाए, बहुत टेस्टी आता है। एक बार ज़रूर ट्राई करिए आप लोग दोस्तों। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। देखिए कितना अच्छा एकदम दिख रहा है, कैसा बना है मेरा मीठी चटनी। बाय बाय दोस्तों।